हेलो फ्रेंड्स, आज किसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन ब्राउजर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में चाइनीज ऐप बैन हो जाने के बाद से दोस्तों बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि दोस्तों उसमें से एक एप्लीकेशन था यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर जब से इंडिया में बैन हो गया दोस्तों बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, बहुत सारे लोग परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि दोस्तों वो अब सोच रहे हैं कि अब कौन सा ब्राउजर को यूज करें जो कि हमारे लिए बेस्ट हो, अच्छा हो। तो घबराने कोई बात नहीं है दोस्तों, आपके लिए मैं यूसी ब्राउजर का अल्टरनेटिव लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि मेड इन इंडिया का एप्लीकेशन है, जो कि बहुत ही बेस्ट है, जो कि आपके फोन में बहुत ही अच्छे तरीके से वो वर्क करेगा। तो वो कौन सा एप्लीकेशन है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीआईबी भूषण, में आपको बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन ब्राउजर को यूज करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आना। स्क्रीन पर आने के बाद एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है प्ले स्टोर, जो कि हर किसी के फ़ोन में आसानी से उपलब्ध होता है। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन से प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करते ही देखेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस के सामने आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सर्च बार में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है आपको डॉल्फिन, डॉल्फिन इस तरीके से टाइप करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही देखेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस स्क्रीन के सामने आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए इसका आइकन किस तरीके से है। इस तरीके का ये आइकन है, ये मेड इन इंडिया का एप्लीकेशन दोस्तों, जिसका नाम है डॉल्फिन ब्राउजर। आपको क्या करना है दोस्तों, देख लीजिए इसका डाउनलोडिंग की और इसकी रेटिंग की बात करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ 4.1 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों, जो 4.1 इसको रेटिंग मिला है। अब बात कर लेते हैं इसे डाउनलोडिंग की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही फास्ट वर्क ये करता है, बहुत ही बढ़िया ये ब्राउज़र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसे आपको ओपन करना है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करते ही देखेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस के सामने आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया मिल जाएगा, यहाँ पर न्यूज मिल जाएगा, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर मिलेंगे। हम देख लीजिए इसका बात करते हैं इंटरफेस की, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक मछली जैसा एक आइकन मिला है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड ओपन होगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग है, तो सेटिंग में भी क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा, आप इसे सेट करके आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों, जो कि बहुत ही फास्ट ये दोस्तों वर्क करता है, आपके फोन में भी बहुत ही अच्छा ये चले। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, कमेंट में जरूर दोस्तों बताएं कि ट्रिक कैसा लगा आपको। अगर कोई आपका राय है, सुझाव है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।